आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। शहर में दिन दहाड़े पॉश कॉलोनी में चोरी की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी। शहर में अपराध और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये एक बार फिर साबित कर दिया। बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े अपराध को अंजाम देने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला आज दलवी नगर में, जहां शहर के एक प्रतिष्ठित ठेकेदार के यहां दोपहर के समय चोरी को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका के ठेकेदार अरविंद गुप्ता के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपया चोरी हो गया। साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी चोर उड़ा ले गए। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। शहर में अचानक हुई इतनी बड़ी वारदात के बाद सभी सकते में हैं और पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म बना हुआ है। अभी तक इस मामले में ना ही पुलिस प्रशासन और ना ही ठेकेदार अरविंद गुप्ता की तरफ से कोई बयान जारी किया गया। पुलिस भी इस मामले में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं, वहीं सक्रियता से इस मामले को जल्द खोलने के लिए तैयारी कर रही है। इसी वजह से घर की कोई भी डिटेल मीडिया में नहीं बताई जा रही, सब कुछ गोपनीय रखकर काम किया जा रहा है। वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि इतनी बड़ी रकम आखिरकार उनके घर में क्या कर रही थी, पैसों को बैंक में जमा क्यों नहीं करा गया। अब सवाल यह भी उठता है, क्या इनकम टैक्स विभाग इस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है भाई, ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, चलो ये को ना अंदर चलो, देखो आठ आठ आठ, चलो ठीक है सर, अरे चलो 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 आ जा, सुनो आ जा, अभी देख रहे हैं, बहुत काम डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं है, तुम लोग तो खबर आ गई। दिन की बात है, बोले एक घंटे में वापस आ गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन गुना में आयोजित किया गया, जिसमें गुना एवं भमोरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के माध्यम से किस तरह से वोटरों को लुभाना है एवं उसके बारे में बताया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है इस बारे में भी चर्चा की गई। वहीं गुना विधायक पन्नालाल शाके ने सभी कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी कि केवल अपने पोलिंग बूथ पर ही ध्यान दें, बगल वाले पर नहीं और ना ही किसी नेता या विधायक पर। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि घर का बेदी लंकट आए, इसलिए हमारे बीच की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इस मौके पर बमोरी विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में एक बात देखने को ये भी मिली कि जितने कार्यकर्ताओं की उम्मीद विधायक पन्नालाल शाक्य द्वारा की गई थी, उतने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। यही कारण था कि जो कुर्सियां लगाई गई थी उनको आगे की तरफ से कार्यकर्ता बैठे थे, लेकिन पीछे वाली कुर्सियां खाली थी, जिन्हें तत्काल वहां से हटा दिया गया और कई कुर्सियां तो ऐसी थी जिन्हें गाड़ी में से उतारा ही नहीं गया था। जरूरी है, इसलिए सोना
आने वाले 2018 और 2019 का जो चुनाव है ये स्पष्ट भारत का भविष्य लिखेगा, भारत का भविष्य लिखेगा। फिर भारत को हम लोग किसके सामने ले जाना है, देश को स्वतंत्र होते तो 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हम देसी समस्याओं से लड़ रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है। इसके पहले की सरकार ने किया, इसके पहले की सरकारें भी तो आयुष्मान योजना लागू कर सकती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना लागू की, पूरे देश के अंदर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनहित में। पहले की सरकारें रोड बनाती थी, कितनी बनाए भगवान 45,000 लोगों से जीता था, आगे आने वाले समय में उसमें 20% की वृद्धि करके और इस सीट को हम भारतीय जनता पार्टी के लिए पुनः मुकर्रर करें। जो कभी कभी कार्य ऐसी भी होती है, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोकप्रिय और अरे सही रहा हूं। तो जिन्होंने नाश्ता कर लिया वो आगे मंच की ओर जाके अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है तो जल्द से जल्द मंच की ओर। अपने आंदोलन पर डटे लिपिक कर्मचारियों ने आज राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं लिपिक वर्ग के अधिकारियों ने बताया कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बार लड़ाई आर पार की है। हमको हर बार आश्वासन देकर बहला लिया जाता है, लेकिन इस बार कोई आश्वासन नहीं माना जाएगा। आपकी मुख्य मांगे कितनी है? हमारी रमेश चंद शर्मा समिति की 23 मांगों को लागू करना प्रमुख मांग है हमारी, और जब तक लागू नहीं होती जब तक हड़ताल जारी रहे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा, उसी कड़ी में आज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्तनपान से संबंधित व जरूरी बातें बताई गई। इस मौके पर डॉक्टर आराधना विजयवर्गीय ने बताया कि क्यों इस तरह के आयोजनों की जरूरत पड़ने लगी है, जबकि भारतवर्ष में सर्वाधिक स्तनपान कराया जाता है। वहीं डॉक्टर आराधना ने यह भी बताया कि इस बारे में किसी भी भ्रांति या डरने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे अगर आपके पास आपके घर में
गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आज विश्व स्तनपान सप्ताह के ऊपर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें आज शहर की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना विजय वर्गी ने और मैडम थॉमस के साथ मिलकर बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो है छात्राओं को उपलब्ध कराई, और वो जानकारियाँ मेरे महाविद्यालय की छात्राएँ प्रतिवर्ष डोर टू डोर प्रचार प्रसार करती हैं। नॉर्मली हम लोग विश्व स्तनपान सप्ताह जो अभी 1 से 7 अगस्त पूरे विश्व में मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में जितनी भी यंग गर्ल्स हैं और महिलाएं हैं हॉस्टल में, सभी में जाके हम लोगों को ये कुछ इस तरह की हम सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो लोग उनके लिए स्तनपान के बारे में कुछ जानकारी हम दे पाते हैं। इसी स्तनपान क्यों मनाया जा रहा है भारतवर्ष में तो हमेशा से मदर 4-4 साल तक भी दूध पिलाती थी, पर अब अचानक इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? कुछ तो इसके तरीकों में हमारे यहाँ कुछ गलत थी कि जो मदर्स पिलाती थी तो वो 6 महीने बाद ऊपर आहार नहीं शुरू करती थी, उससे बच्चे के अंदर कुछ कमियाँ हो जाती थी, न्यूट्रिशन कम हो जाता था, और कुछ उनका तरीका ऐसा होता था कि बच्चा कई बार उन्होंने दूध पिला के लिटाया और बच्चा दूध पीकर सोया तो सोता ही रह गया। क्यों? क्योंकि वो लोग डकार नहीं दिलाते थे, बर्फ नहीं कराते थे दूध पिलाने के लिए। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि स्तन के आकार से दूध की उपलब्धता का मदर की दूध का उपलब्धता का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आज तमाम जन समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। इस कार्यक्रम में 15 मांगों को रखा गया, जिनको लेकर ज्ञापन कलेक्टर महोदय के दिया गया। इसके लिए रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय दत्ता को ज्ञापन सौंपा। दाम क्या हुआ है? आज 800 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और उसके बाद में जब सिलेंडर आदमी के पास नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो देश कैसे चलाएगा? सोचने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसानों को 2017 का आज तक फसल बीमा नहीं मिला, तो मेरे बाद में और भी वक्ता है बोलने के लिए, इसलिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले तमाम जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए और जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 15 मांगों को हमने शामिल किया है, जिसमें बजरंगगढ़, बमौरी और म्याना को तहसील बनाने के और नगर पंचायत बनाने के लिए जिले में रोजगार गारंटी कानून, जो भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून है, उसको लागू करने के लिए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपे। पर्यटन पर आधारित प्रतियोगिता में आज शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने का उद्देश्य है ताकि बच्चों को मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। अगर मोबाइल निकलता है तो टीम को बाहर कर दिया जाएगा, उसका काम है जब ठीक राउंड नंबर 3 जिसमें सही जवाब पर अंक मिलेंगे और गलत जवाब पर अंक कटेंगे। जानकारी ले सकते हैं और इससे हमारी नॉलेज भी बहुत गेन होगी। यहाँ पे बहुत स्कूल आए, बहुत लोगों के साथ हमारा कॉम्पिटिशन है, अब यहाँ हमारे पास भी होंगे, फिर हमारे बहुत अच्छे लगा। एमपी टूरिज्म से हमें पता चलता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कई सारी जगह हैं जहाँ हम घूम सकते हैं। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती के 108 वर्ष पूर्ण हो जाने पर ऑल इंडिया डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में उन्हें याद किया, साथ ही मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जानकारी भी सबको उपलब्ध कराई कि किस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया है। संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा गुना पीजी कॉलेज में
महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की 130वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में यहाँ पर एक पुष्पार्पण कार्यक्रम किया गया है। और लगातार जो साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने समाज की कुरीतियों के बारे में उस समय जो अंधविश्वास चल रहे थे उसके खिलाफ़ में, मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में भारत में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज उनकी इस अनमोल कृति के रूप में, जो उन्होंने कई सारे जो उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी हैं, गोदान, गबन, ईदगाह कहानी, जो हम लोग स्कूलों में की किताबों में पढ़ते हैं, तो इतने महान साहित्यकार रहे हैं। तो हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारा मकसद है मनाने का कि आज लोग, खासकर इस कॉलेज स्कूल छात्र, इन कहानियों से प्रेरित हों और साथ साथ में जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में पढ़ के और आज के समय में जिस तरीके की जो घटनाएँ घट रही हैं उसके खिलाफ में आगे आने के लिए प्रेरणा दें, इस मकसद से आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। टकनेरा ग्राम के ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। इन ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में और आसपास की किसी भी पंचायत में किसानों को बीमा राशि नहीं मिली और ना ही फसल बीमा और ना ही प्राइवेट बीमा की राशि किसानों को प्राप्त हुई है। किसानों का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणाएं करते हैं और देते कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखा गया। क्या कह रहा है? मैं मध्य प्रदेश को मामा हूँ। किसी को खा गए? कौन खा गए? शिवराज सिंह घनश्याम कुशवाहा। वो तो मामा है ना है? मामा जी कंस मामा बन गए भैया। पूरा पैसा नहीं दो तुमको? एक ही रुपया, एक किसान एक रुपया नहीं मिलो। बन गई खुंटी है, 100% नुकसान है। रावे भी नन्ना का जो फसल आवे भी नहीं, कोई मतलब पूरे कोई किसान कार्ड का ना जो प्राइवेट बीमा कराया था कोई बीमा नहीं आया और पूरा 100% नुकसान था। और पटवारी और ग्राम सेवा ने क्या रिपोर्ट बनाई है कोई जानकारी पता है? कम से कम है 400-500 किसान है, कोई हमारे गांव में कोई बीमा नहीं आया। 4 पंचायत हैं उसमें कोई बीमा नहीं आया। कांग्रेस पार्षद दल आज जिला कलेक्टर से मिला और शहर में बदहाल स्थिति को लेकर चर्चा की। पार्षद दल के नेता टिल्लू रघुवंशी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जो कार्य कराए जा रहे थे वह बहुत ही घटिया किस्म के हैं। वहीं घोसीपुरा स्थित 50 लाख की लागत से बनी पुलिया बनने के 4-5 महीने के अंदर ही गड्ढों से भर गई है, जिसमें आगामी समय में कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। साथ ही उस पुलिया से कोई भी भारी वाहन नहीं निकल सकता। सब समस्याओं को लेकर पार्षद दल जिला कलेक्टर से मिला। यहाँ एक गंभीर प्रश्न यह भी उठता है कि यह पार्षद दल पिछले 4 साल से कहाँ था जब और भी निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। अब जब चुनाव का आगाज होने वाला है तब कांग्रेस पार्षद दल की नींद खुल गई है। साथ में उसकी साइड पूरी कट गई, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इससे ये साबित होता है कि नगर पालिका अपने दायित्व के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसलिए हम एक ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए जो घटिया निर्माण कार्य हो रहा है उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्षद दल माननीय कलेक्टर महोदय से नगर पालिका द्वारा जो घटिया निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसके संबंध में ज्ञापन देने आए। खासतौर से 72 करोड़ की जो नल जल योजना श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा लाई गई थी उसमें गुणवत्ता को नहीं देखा गया है। जहाँ जहाँ भी टेस्टिंग इन्होंने की है सारी जगह लीकेज कहाँ है, लाइनें फटी हैं, जो कंपनी काम कर रही है उस सड़कें खोद के चली गई है। उन सारी चीज़ों को लेकर जो सड़कें हमारे नगर पालिका प्रशासन ने जो बनाई थी वो पहली बारिश में जो धुल चुकी है, इन सब को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हम आए हैं और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करते हैं।
जनसुनवाई में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया दिखा, वह था फसल बीमा। कई ग्रामीण पहुंचे थे फसल बीमा न मिलने की शिकायत लेकर। इसी कड़ी में पगारा से भी ग्रामीण पहुंचे। किसानों की मांग थी कि उन्हें 2017 में हुए फसल बीमा, जिसमें इनके 100% नुकसान हुआ था, उसकी राशि अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है। इसके चलते कई बार उन्हें पटवारी और तहसीलदार से भी बात करना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक इन्हें फसल बीमा की राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। का है हम लोगों का फसल बीमा हुआ था, इसमें हमारा बीमा नहीं आ पाया, हमारे पटवारी साहब या किसी की कारणवश हमारा बीमा नहीं आ पाया। करीबन का मामला है, पगारा गांव का मामला है। करीबन कितने लोगों का है बीमा? पूरा पूरा गांव है, पूरे हल्का नंबर, पूरा हल्का का है, 69 हल्का है। अभी वो अंदर में हम मिल नहीं पाए, सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कलेक्टर साहब जी से हम मिल नहीं पाए, हम मिल के बात करके जो भी निर्णय निकलता है वो आप लोगों को बताएं। रामनगर पंचायत से ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में। ग्रामीणों का आरोप है उन्होंने मई माह में अपनी फसल बेची थी, जिसका पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 130 किसान ऐसे हैं जिनके पैसे अभी तक खाते में नहीं आए हैं। बिना पैसों से अगली फसल कैसे कर पाएंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। वहीं किसानों को हर बार यह आश्वासन दिया जाता है कि अभी साइट नहीं खुल रही है या लिंक नहीं मिल रही। समझ से परे के कहां तो देश के प्रधानमंत्री देश को डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाना चाहते हैं, वहीं इस डिजिटलाइजेशन के चलते कई किसान भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसके बारे में कौन सोचेगा? अभी तक नहीं मिला। करीबन कितने लोग हैं? अभी आवेदन दिया। हाँ, आवेदन क्या बोला साहब ने? साहब ये बोलते हैं कि अभी आ जाएंगे, साइड नहीं खुल रही है। हर बार नहीं बोल रहा है, कम चार हफ्ता तो मिल रहा है, कम 3 महीने, 3 महीना। कीचड़ वाले रास्ते से परेशान बरखेड़ा के ग्रामीणों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। मकसूदनगढ़ के बरखेड़ा ग्रामवासी रास्ते में कीचड़ होने से बेहद परेशान हैं। गांव के बच्चों को स्कूल जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जब तेज बारिश होती तो गांव वाले सामान लेने दूसरे गाँव भी नहीं जा पाते। इसी परेशानी से ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को भी अवगत कराया था, लेकिन कोई सुनवाई पंचायत ने नहीं की। वहीं सरकार गांव-गांव में सड़क बनाने के दावे कर रही है, पर ये दावे जमीनी तौर पर खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते इस गांव के लोग मकसूदनगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने रास्ता ठीक कराने की मांग की। ज्ञापन सीधा करना, सीधा सामने सामने देखना चाहिए हमारे तरफ। हाँ, पकड़ो भैया, पकड़ो ज्ञापन, पकड़ के लगाओ रे हाथ, एक भाई लगा दो। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। किस तरह से सरकारी योजनाओं को चूना लगाया जाता है, इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली। महज 3 माह पूर्व बनी प्रधानमंत्री सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि मानो बरसों से यहाँ पर कोई सड़क ही नहीं देखी गई। ग्राम पंचायत विश्वानगर में आने वाले ग्राम कनारी और मोड़ना अनुमान के आगे जो बिल्ला खेड़ी की ओर सड़क निकलती है, जिसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत डाली गई थी, उसे अभी 3 माह भी पूरे नहीं हुए और सड़क उखड़ने लगी। जगह जगह से डांबर निकला हुआ है और ऐसा लगता है कि अगर तेज बारिश हुई तो सारी सड़क उखड़ जाएगी। और इतना ही नहीं, कुछ जगह तो पुलिया ही नहीं बनाई गई, जबकि बोर्ड लगाकर यह दर्शाया गया कि इस सड़क की जिम्मेदारी 5 वर्ष की है।
जागर से जालम किरार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार का दावा है कि गांवों में सड़कों का जाल बिछवा दिया गया है, मगर बीनागंज से केवल आधा किलोमीटर दूर बसे ग्राम बीजनीपुरा के रहवासी आज भी पूरे गांव के आवागमन वाले रास्ते गोया के रास्ते पक्की सड़क न होने से परेशान हैं। मीना आदिवासी दलित बाहुल ग्राम जनपद चाचौड़ा का एकमात्र ग्राम है जो प्रधानमंत्री जी की ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, मगर यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, सभी सरकारी योजना सरकार के उदासीन रवैये और जनपद कर्मचारियों की तानाशाही के कारण आधी अधूरी लटकी पड़ी है। डीजीआना न्यूज की टीम जब इस ग्राम में सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पहुंची तो ग्राम के एक दबंग व्यक्ति ने कहा कि यहां पर सब ठीक चल रहा है, आप गांव की वीडियो ना बनाएं। उस दबंग व्यक्ति का गांव में इतना आतंक देखने को मिला कि ज्यादातर ग्रामीण व्यक्ति कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुए, जबकि आवास योजना के 90% मकान किस्त न मिलने की वजह से आधे अधूरे पड़े हैं, शौचालय के गड्ढे खुदे पड़े हैं, पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं। एक आदिवासी के निजी ट्यूबवेल से पूरे आदिवासी बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। विद्युत विभाग ने पूरे गाँव को कागजों में विद्युतीकरण करने की रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जबकि बीजनीपुरा गोया बस्ती के 25 परिवार आज भी बिजली से वंचित है। सबको बनाओ तुम तो नहीं आ रही। मोतीलाल का बोलो थोड़ी। अच्छा तो क्या प्रॉब्लम है आपका, ये मकान पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में? हाँ जी, ग्राम बीजनीपुरा का रहने वाला हूँ मैं, परेशान हूँ, किस्त मिल नहीं रही है, कारीगर पैसा मांग रहे हैं, अब मैं कहाँ से लगाऊँ। तो बरसात में तो बहुत परेशानी हो रही होगी आपको? बरसात में बहुत परेशानी उठा रहे हैं, बच्चे बच्चे बाहर पड़े पन्नियों में रह रहे हैं। तो अभी तक कितनी किस्त मिली है आपको? दो किस्त मिली है अभी। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।